हु इज एन अनपेड सेलर? लास्ट टॉपिक है अपने इस यूनिट का, अनपेड सेलर. अनपेड सेलर नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है. अ सेलर हु हैज नॉट बिन पेड, सेलर जिसको पे नहीं किया गया है. सिंपल, सेलर हु हैज नॉट बिन पेड, या तो आइदर द होल और पार्शियल. आइदर मतलब होल, या तो पूरा पैसा नहीं मिला है, या फिर पार्शियल मीन्स कुछ परसेंट मिल चुका है, 25 या 35 मिला है, तो 75 या 65 पेमेंट नहीं किया है. तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है. अनपेड सेलर मीन्स द सेलर हु हैज नॉट बिन पेड. या फिर दोनों डेफिनेशन है ना, या फिर वन हु हैज रिसीव्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला यूनिट है, यूनिट 4 पढ़ेंगे अपन. तो अभी आप ये समझ लो कि चेक वगैरह की बात हो रही है, ठीक. तो विच, अगर हमने किसी को चेक वगैरह दिया है, विच हैज बीन डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड मीन्स चेक बाउंस हो गया, मतलब पैसे नहीं मिले उसमें से. तो ये होता है अनपेड सेलर. नेक्स्ट देखो, राइट्स. हमको इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, सेलर के राइट्स पढ़ना है. राइट्स ऑफ अनपेड सेलर मीन्स सेलर को अब अमाउंट तो नहीं मिला, तो अब उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है. अब बात क्या होती है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द अनपेड सेलर. तो देखो, दो सिचुएशन में डिफाइन किया है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर को. एक उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर, प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास्ड टू बायर. जब जो गुड्स है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है. और सेकेंड वाले में क्या है कि ट्रांसफर नहीं हुई है. आ रहा है समझ में, जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो कहाँ पे बायर के पास जा चुकी है और हमको अमाउंट अभी नहीं मिल रहा है. और इस वाले सिचुएशन में क्या है, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है अभी बायर के पास नहीं गई है. तो ये दो सिचुएशन को लेकर के हम पढ़ेंगे इसमें. आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो, समझ में आ रहा है कितने टाइप्स में क्या है. देखो, इसमें हम पढ़ेंगे लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, या फिर रीसेल. यहाँ पे लिखा है विथ होल्डिंग डिलीवरी और अदरवाइज. तो हम वन बाय वन सबको स्टडी करेंगे. लीन क्या होता है, LIEN, लीन. ये वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेलमेंट वाले टॉपिक में. आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं ना, लास्ट क्लासेस का मैं हर बार हर क्लास में बोलती हूँ कि आप लोग प्रीवियस टॉपिक्स लो और उनको रीड करना स्टार्ट करो. क्या हो जाएगा अगर आप लोग रीड करना स्टार्ट करेंगे. लीन क्या होता है, देखो, लीन एक तरीके का क्लेम होता है या फिर लीगल राइट होता है, ठीक है. जब हम गुड्स, जब हम कुछ लोन लेते हैं अमाउंट, और उस लोन अमाउंट के लिए जब हम कुछ चीज गिरवी रखते हैं, मीन्स कोलैटरल रखते हैं, जो भी हम सिक्योरिटी या चीज हम गिरवी रखते हैं, तो जिससे हम लोन लेते हैं उसके पास गिरवी रखते हैं, तो तब तक वो जो चीज है जो गिरवी रखी है जिसके पास है, तो अब उसके पास राइट है उसको यूज करने का. तो वो होता है लीन. परमानेंट नहीं है, टेम्पररी होता है ना. जब तक सामने वाले का लोन है तो उसने जो चीज गिरवी रखी है एज अ कोलेटरल, तो उसको यूज करने का लीगल राइट वो होता है लीन. आ रहा है समझ में? यस देखो, जैसे बताया अभी, व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स जो पास हो चुकी है बायर के पास. तो देखो, यहाँ पे गुड्स पास हो रहे हैं और यहाँ पे गुड्स अभी पास नहीं हुआ है, तो देखो इसमें ताला लगा दिया, गुड्स नहीं देंगे, बात ही खत्म. तो राइट ऑफ लीन क्या हो जाएगा, जब सेलर ने बायर को बेचा होगा तो कुछ कोलेटरल पे रखा होगा, तो ऐसी सिचुएशन पे उसके पास राइट ऑफ लीन आएगा. अब देखो राइट ऑफ लीन कैसे आएगा, इसको स्टडी करते हैं. देखो, लीन के लिए क्या जरूरी है, पोजेशन होना जरूरी है. सामने वाले की कोई चीज हमारे पास बिल्कुल होना जरूरी है, तभी तो हमारे पास लीन कहलाएगा, हमारे पास लीगल राइट होगा. तो सेलर के पास क्या ऑप्शन आता है,
राइट ऑफ लीन कि उसके जो गुड्स हैं वो अपने पास रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो नेक्स्ट, लीन दो तरीके का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। तो जनरल और स्पेसिफिक से अभी आपको मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो, आपको सिर्फ लीन से मतलब है अभी। कब इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी लीन की? गुड्स सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट। अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किया है तो ऑब्वियस है कि वो हमको इसका अमाउंट पे नहीं करेगा, और जब वो हमको इसका अमाउंट पे नहीं करेगा तो हम अनपेड सेलर कैसे कहलाएंगे? अनपेड सेलर तो तब कहलाएंगे ना हम, जब हमने गुड्स को कैश में सेल किया और सामने वाले ने हमको पैसे नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, वो उस गुड्स को अपने पास रख लेंगे, भले वो गुड्स उसके नाम पे हो चुके हैं। ठीक है, ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप पेपर वर्क हो चुका है, लेकिन फिर भी हम वो गुड्स अपने पास रख सकते हैं। तो अगर हमने क्रेडिट पे गुड सोल्ड किए तो हम कैसे बोल सकते हैं हम अनपेड सेलर है, जब हम खुद उसको उधार में दे रहे हैं। तो नेक्स्ट देखो, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टाइम ऑफ क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, क्रेडिट टर्म मतलब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका है तो भी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जब बायर इंसॉल्वेंट होता है तो सेलर क्या करते हैं, अपने पास गुड्स। हाँ देखो, तो राइट ऑफ लीन कब एप्लीकेबल होगा, जब गुड्स बिना क्रेडिट के सोल्ड होंगे। इट मींस जब गुड किस पे सोल्ड हो रहा है, कैश पे। क्रेडिट वाली कंडीशन मैंने एक्सप्लेन की थी अभी, है ना। नेक्स्ट देखो, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट टर्म एक्सपायर्स। ठीक है, अगर हमने क्रेडिट में बेचा है गुड्स और क्रेडिट टर्म खत्म हो गया, 3 मंथ्स के क्रेडिट पे किया था हमने, 3 मंथ्स का क्रेडिट खत्म हो चुका है, तो अब हम राइट ऑफ लीन कर सकते हैं, गुड्स अपने पास रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट और क्या लिखा है, सेलर पोजेसेस गुड्स, तो ये वाला ऑप्शन भी है। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेबिलिटी हो गई यहां तक, किसी को डाउट है एप्लीकेबिलिटी में? नो नेक्स्ट देखो, अब पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स देखो आप इसमें। देखो राइट ऑफ लीन कहाँ एप्लीकेबल होता है, राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल्स टू अनडिलीवर्ड गुड्स अनलेस एग्रीमेंट टू वेव लीन हैज बीन मेड। ठीक है, देखो हम लीन तो करेंगे, गुड्स को अपने पास रखेंगे तो सही, लेकिन इसमें क्या होगा, पोजीशन राइट्स दे दिए थे, जब गुड्स क्या हो चुके थे, पास लिखा था, व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर लिखा था, व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड टू द बायर। अब देखो, ठीक, तो जो गुड्स की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी जो गुड्स की है, प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका ओनरशिप, ठीक, या फिर टाइटल, वो मिला है किसको, बायर को, लेकिन अभी गुड्स उसको मिले नहीं है, तो राइट ऑफ लीन कब एप्लीकेबल होगा, अनडिलीवर्ड गुड्स अनलेस एग्रीमेंट टू वेव लीन हैज बीन मेड। नेक्स्ट देखो, डिलीवरी ऑफ द पार्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट द डिलीवरी ऑफ द होल। देखो इसमें कुछ पोर्शन बचा ही हुआ है ना। इट मींस हम दूसरी कंडीशन में उसके पास गुड्स कब रख सकते हैं, पोजीशन कब रख सकते हैं, जब हमने उसको पूरा का पूरा सामान नहीं दिया। सपोज हमको 100% गुड्स उसको देने थे, अभी हमको पेमेंट नहीं मिली है, तो सैलर क्या करता है, 30% दे देगा या 70 दे देगा, तो 30 रख लेगा अपने पास, क्या पता क्या भरोसा आगे चल के पेमेंट दे नहीं दे, तो ऐसी सिचुएशन में वो लीन कर सकता है, मतलब गुड्स को अपने पास वापस रख सकता है। नेक्स्ट देखो, इसमें टर्म
टर्मिनेशन ऑफ लीन, लीन कब कैंसिल होगी? तो टर्मिनेशन ऑफ लीन फर्स्ट, सेलर डिलीवर गुड्स टू वैली फॉर ट्रांसमिशन टू बायर विदाउट रिजर्विंग राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स. बायर लॉफुली ऑब्टेन्स पोजिशन ऑफ गुड्स. बायर ने लॉफुली गुड्स को अपने पास रखा था या सेलर ने क्या किया? वेव्स इज राइट ऑफ लीन. टर्मिनेशन ऑफ लीन का मतलब होता है लीन का कैंसिल होना. तो कौन सी सिचुएशन आएगी जिसमें लीन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी. तो फर्स्ट सिचुएशन क्या लिखा है इसमें? इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज एक्स है वो सेल करता है प्लास्टिक टॉयज, ठीक है? तो किसको? वाई को. कितने रुपए में? 50,000 में दे रहा है. और वही एक्स ये चीज कहाँ दे रहा है? रेलवे में दे रहा है डिलीवरी करने के लिए. किसको पहुंचे? जैसे कि वो वाई के पास पहुंचे. तो जो रेलवे रिसिप्ट है वो किसने ली? एक्स ने ली. किसके नाम से ली थी? वाई के नाम से ली थी. और उसको वाई को उसने क्या कर दिया? उसको बाय पोस्ट कर दिया, ठीक. तो यहां पे जो एक्स है वो राइट ऑफ लीन नहीं यूज कर पाएगा. ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि फिर से पूछना है किसी को? देखो एक्स ने गुड्स भेजे वाई को 50,000 के, ठीक. तो जब एक्स वो गुड्स उसको भेज रहा है वाई को थ्रू द रेलवे, तो उसने अपने नाम से अगर टिकट खरीदी होती तो वो गुड्स को रास्ते में रोक सकता है, क्योंकि उसको पता है पेमेंट नहीं आई है. लेकिन जब वो टिकट ही वाई के नाम से ले रहा है तो क्या वो उस गुड्स को रोक पाएगा क्या? रेलवे वालों से नहीं रोक पाएगा. तो ऐसी सिचुएशन में भी लीन क्या हो जाती है? कैंसिल. सेलर डिलीवर गुड्स टू बेली या करियर फॉर ट्रांसमिशन टू बायर. देखो यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है बायर को, किसके लिए? रेलवे के थ्रू. विदाउट रिजर्विंग राइट्स, और अपने पास उसने राइट भी नहीं रखे. उसने टिकट भी ली तो वाई के नाम से ली. और डिस्पोजल ऑफ गुड्स, या फिर बायर ने क्या किया? लॉफुली ऑब्टेन कर दिया है पोजीशन ऑफ गुड्स, ठीक है. लॉफुली मींस कंप्लीट पेपर वर्क कर दिया और उस पेपर वर्क में क्लियर कट उसका नाम लिखा है, तो सेलर भी कुछ नहीं कर पा रहा है. या फिर सेलर ने खुद ही अपने लीन के राइट्स जो है उसको कर दिया. तो हमने फिर से देखो रिविजन पे करती हूँ मैं, कंफ्यूजन हो गया होगा थोड़ा सा, बीच में गैप था. तो ये वाला सिचुएशन समझो, फर्स्ट वाली. ये वाली सिचुएशन पे देखो कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर है. हम दो पॉइंट्स में पढ़ेंगे. जब गुड्स की जो प्रॉपर्टी है वो उसके पास, प्रॉपर्टी इन गुड्स पास टू द बायर है, और प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू द बायर. दो तरीके से हम राइट्स पढ़ेंगे. तो अब अभी हम ये वाला राइट पढ़ रहे हैं जिसमें फर्स्ट है अपना लीन. अब सेकेंड हम पढ़ेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट. लीन मीन्स क्या होगा? गुड्स कंप्लीट डिलीवर नहीं हुए, कुछ गुड्स सेलर के पास रखे हुए हैं, या फिर उसने उसको पेपर वर्क करके दिया है लेकिन गुड्स अभी भी सेलर के पास है. अब देखो स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे कैसे आएंगे अपन. देखो ये टर्मिनेशन ऑफ लीन था, अब इसमें देखो स्टॉपेज इन ट्रांजिट. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रस्ते में सेलर क्या कर सकता है? गुड्स को स्टॉप कर सकता है. कैसे? हाउ? देखो क्या क्या चीजें जरूरी है. सेलर मस्ट बी पार्शियली और होली अनपेड, ठीक है. तो रास्ते में वो गुड्स की डिलीवरी रुकवा सकता है जब उसको पार्शियली या कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया है. बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी वो गुड्स को रोक सकता है. और इसके लिए गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट, गुड्स कहाँ होनी चाहिए? रास्ते में होनी चाहिए. एग्जाम्पल, सेलर हैज पार्टेड विद पोजीशन ऑफ गुड्स एंड बायर हैज नॉट रिसीव द गुड्स. अभी बायर को गुड्स रिसीव नहीं मिले हैं रास्ते में. ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, कितने ट्रांजिट का ड्यूरेशन होता है? ट्रांजिट कब एंड खत्म होता है? बायर टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स. हाँ, अगर बायर के पास डिलीवरी हो गया है तो वो राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट वाला ऑप्शन नहीं लगा पाएगा, क्योंकि तो उसके पास पहुंच गया ना. ट्रांजिट मींस व्हाट? रस्ते में होना. तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला कब खत्म हो जाएगा ड्यूरेशन? जब बायर के पास गुड्स डिलीवर हो चुका है, या फिर हिज एजेंट टेक्स डिलीवर ऑफ गुड्स.
बिफोर अपॉइंटेड डेस्टिनेशन दैट इज इन एंटिसिपेशन. इट मीन्स क्या होता है, देखो जो बायर है उसका कोई एजेंट है, ठीक है, उसने बायर के बिहाफ पे रास्ते में गुड्स ले लिया. जो डेस्टिनेशन या जो प्लेस डिसाइडेड थी उसके पहले उसने ले लिया. लिखा है ना, देखो बायर इज एजेंट एक डिलीवर ऑफ गुड्स बिफोर अपॉइंटेड डेस्टिनेशन. नेक्स्ट देखो करियर या फिर बेली. कैरियर क्या है यहाँ पे, ये देखो ये जो करियर है, कैरियर इट मीन्स रेलवेज जो कैरी कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन में बस. ठीक, एट अपॉइंटेड डेस्टिनेशन एक्नोलेजेस पोजिशन ऑफ गुड्स. सपोज सेलर उसको फोन करने ही वाला है कि अरे मत देना, और उसके पहले ही इन्होंने अपॉइंट वाले जहाँ पे मिलना था डेस्टिनेशन पे उसको इनवॉइस वगैरह दे दिया और इसको मैसेज बाद में पहुंच रहा है. जैसे एकदम मूवी स्टाइल्स में होता है ना कि हम एक मिनट से चूक गए, सेम वैसे. नेक्स्ट देखो कैरियर और बेली रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर गुड्स टू बायर हिज एजेंट. गलत तरीके से रिफ्यूज मतलब उसको मना कर रहे हैं उसको गुड्स देने से. नेक्स्ट देखो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो पहले. अब देखो बायर रिफ्यूजेस द गुड्स. इफ बायर रिफ्यूजेस गुड, ट्रांजिट डज नॉट कम टू एन एंड इवन इफ सेलर रिफ्यूजेस टू टेक देम बैक. इसकी मीनिंग बताओ, बहुत सिंपल सी एक लाइन लिखी है, इसकी मीनिंग बताओ. बताओ बताओ जल्दी से. How right of stoppage in transit is affected by the seller taking actual possession of goods, giving notice of his claim to carrier belly who possesses goods, or to redirect goods to seller or according to his directions. मैं आपको एक दूसरी पीपीटी शो कर रही हूँ इस पे, एक मिनट. देखो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट में अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो अनसेफ सेलर के पास पूरा राइट है कि वो गुड्स को स्टॉप कर सकता है ट्रांजिट में. दूसरा उसके पास क्या राइट रहता है, ये एक पहला राइट हुआ. ही हैज फर्दर राइट ऑफ रिज्यूमिंग पोजीशन ऑफ गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट रिटेनिंग पोजीशन अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस. मतलब जब तक वो उसको पैसे नहीं देगा उसके पास फर्दर दूसरा क्या राइट है कि वो गुड्स को तब तक रखे जब तक गुड्स ट्रांजिट में और उसको उसके पैसे नहीं मिल जाते. ठीक है, तो जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब, या फिर गुड्स कहाँ होते हैं ट्रांजिट में. राइट ऑफ स्टॉपिंग में क्या होती है, दो कंडीशन होती हैं. पहला हमने पढ़ा था राइट ऑफ लीन, अब राइट ऑफ स्टॉपिंग. दो तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर गुड्स कहाँ हैं उनके रस्ते में. ट्रांजिट कम्स टू एन एंड एंड सेलर लूजेस द राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट इन द फॉलोइंग केसेस. कुछ सिचुएशन है जब ट्रांजिट भी खत्म हो जाएगा और सेलर उस गुड्स को रोक भी नहीं पाएगा. जैसे कि देखो डिलीवर टू द बायर, अगर गुड्स डिलीवर हो चुके हैं बायर के पास, ये मैंने अभी अभी डिस्कस किया था, तो भी उसको नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ट्रांजिट क्या हो गया, खत्म हो गया है. व्हेन द बायर डज नॉट एक्सेप्ट द गुड्स, लेकिन जहां पे बायर ही अब गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ट्रांजिट डज नॉट एंड इवन इफ द गुड्स हैव रीच्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. ये इसकी लास्ट वाली जो पीपीटी लिखवाई थी ना, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही थी, कॉम्प्लिकेट लग रही थी, देखो उसमें क्लियर कट लिखा है. डिलीवरी हो गई है बायर के पास, सपोज अपन जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सपोज गुड्स हमारे दरवाजे पे आ गया है, ठीक है, ऑनलाइन डिलीवर वाला, और हम ऑनलाइन से उसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल